नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स। मेरा नाम है रोशन भुमियार। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आईपीएल से जुड़ी एक अहम खबर, जिसको आप सुनकर काफी खुश हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं तो आपके लिए यह खबर और भी शानदार। यूएई में आयोजित हुए इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में प्लेऑफ में जगह पक्की न कर सकी चेन्नई सुपर किंग्स आगामी सीजन के लिए नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की तलाश में। महेंद्र सिंह धोनी की टीम को 14वें सीजन से पहले स्क्वाड में बड़े बदलाव करने की ज़रूरत। इस बीच टीम के कोच स्टीफन फ्लेमिंग की नज़रें न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सेफर्ट पर है। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए T20 मैच में सेफर्ट ने 63 गेंदों पर 84 रन की नाबाद पारी खेली। इस मैच विनिंग पारी के दौरान सेफर्ट ने 8 चौके और 3 छक्के लगाए। इसके बाद पूर्व कीवी दिग्गज फ्लेमिंग ने उन्हें CSK स्क्वाड में शामिल करने की दिलचस्पी दिखाई। मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे फ्लेमिंग ने कहा, येलो जर्सी में एक टीम है जो आप पर नज़र डालेगी, केवल ब्रिंडन की टीम नहीं, वहां और भी कई टीमें हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच ब्रिंडन मैककलम ने भी टिम सेफर्ट के प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने बताया कि सेफर्ट अपने बल्लेबाजी में सुधार करने के लिए उनके पास काफ़ी मदद मांगने आए, जिसके बाद पूर्व कप्तान को सेफर्ट के साथ काम करने का मौका मिला। दोस्तों, मैककलम ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीखना चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आगे बढ़कर हासिल करना चाहते हैं, जो उन्हें चाहिए होता है। उसे फ़ोन उठाया और मदद ढूंढना शुरू किया और मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे पिछले 6-7 महीनों में उसके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला। मैंने उसके साथ काम करने के तरीके को बेहद करीब से देखा और जल्दी सीखने की जो काबिलियत उसके पास है वो कम ही खिलाड़ियों में दिखती है। न केवल बल्लेबाजी बल्कि उसकी विकेट कीपिंग में भी सुधार आया है। आगे आने वाले सालों में दुनिया ये देखेगी वह कितना अच्छा है। अब देखना यह है कि सेफर्ट 2021 में होने वाले आईपीएल के सीजन में कोलकाता की जर्सी में नजर आएंगे या फिर चेन्नई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबर कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताएं। तमाम आईपीएल और खेल की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स।